नमस्कार जी आप सबको। आज जो हमारे ब्रेसलेट्स चल रहे हैं उसकी सीरीज में हमारा बड़ा मेजर प्रोडक्ट है टाइगर आई, तो आज हम उसकी बात करेंगे टाइगर आई ब्रेसलेट की। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, किनको ये पहनना चाहिए और इन जनरल इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कंपेटिबिलिटी में रिलेशनशिप्स में किसको पहनना चाहिए, किसको फ़ायदा होगा ज़्यादा इससे, और आपकी बर्थ डेट में अगर कौन सा नंबर मिसिंग है, अगर इसको आप डालेंगे तो वो वाला नंबर स्ट्रांग हो जाएगा आपका। सो कल वाले वीडियो में थोड़ा सा मेरे से गलती हुई थी, सैक्रल जो चक्रा था और सहस्त्रार वो थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया था, तो अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो मैंने गलती से उसको सैक्रल को सहस्त्रार कह दिया था। सो वो आप प्लीज़ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मेरे दिमाग में ना आप बोलते बोलते फ्लो में निकल गया, बाद में जब मैंने वीडियो देखा तो आप जस्ट कॉट आउट कि वो डिफरेंट था, बट एनी हाउ वो जो कल वाला वीडियो था उसका कोई लेना देना नहीं है अदरवाइज कॉन्टेंट से। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्रेसलेट। सो दिस इज अ टाइगर आई ब्रेसलेट होता है एंड इसको टाइगर आई की किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो शेर की आंख के साथ मिलती होती है, टाइगर के साथ मिलती होती है, तो इसलिए इसको टाइगर आई कहते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि टाइगर आई जो है वो सारे के सारे सेम हो। अब आप इसमें देखेंगे एक ये वाला पर्टिकुलर बीड है तो ये सिंगल कलर में है और उसके साथ में जो फर्दर बीड्स हैं वो डबल कलर में हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे एक ही तरह के होंगे। बिकॉज जब बड़ा पत्थर होता है जो उसको कट करके उसकी शेप दी जाती है तो जो आई वाला पोर्शन होता है वो एक इतने बड़े स्टोन में एक पर्टिकुलर पार्ट पे होता है, एक पर्टिकुलर लाइन चल रही होती है वहाँ पे। सो देर आर चांसेस कि ये ड्यूअल कलर में भी हो और देर आर चांसेस कि ये सिंगल कलर में भी हो, बट उसमें हल्की सी लसर होगी दूसरे कलर की, तो इट्स कॉल्ड अ टाइगर आई स्टोन। और इसको इसका रीजन सिर्फ यही है टाइगर आई कहने का कि इसकी जब आप इसके बड़े पत्थर को देखेंगे तो शेर की आंख जैसा लगता है। एक और स्टोन होता है अगर आपने देखा हो लहसुनिया के नाम से, तो उसको कैट्साई कहते हैं। कैट्साई जो होता है वो बिल्ली की आंख के साथ दिखता, बिल्ली की आंख की तरह दिखता होता है, एक गोल सा स्टोन होता है, जब आप उसको हाथ में पहनेंगे तो उसमें एक लाइन दिख रही होगी, तो ऐसे लगेगा वो आंख है व्हाइट कलर की, जैसे बिल्ली की आंख होती है ना बीच में, जैसे हमारे सर्कल में होता है यहाँ पे पीपल जो होता है और उनके वो सीधा स्ट्रेट होता है, तो वो उसको लहसुनिया कहते हैं। और टाइगर आई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। टाइगर आई की बेसिक जो खासियत है उनमें दो तीन खासियतें मैं आपको पहले बता दूँ जिसके कारण मैं डलवाता हूँ अपने लोगों को। पहली बात जो टाइगर की खासियत क्या होती है कि टाइगर स्ट्रांग होता है, बोल्ड होता है और ये डिसीजन इंस्टेंट लेता है, तो जिन लोगों को डिसीजन लेने में मेजर इश्यूज आते हैं लाइफ में उनके लिए बहुत अच्छा स्टोन है। जो लोग जहाज में चढ़ने से डरते हैं, फ्लाइट्स नहीं ले सकते हैं, एरोप्लेन में राइड नहीं कर सकते हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छी करेज देता है उनको, कॉन्फिडेंस देता करने के लिए और रेगुलर उसको पहने। मान लीजिए आप, या जिन लोगों को इशू है मोशन सिकनेस है तो वो इस टाइगर आई को पहन सकते हैं रूटीन में। बेसिकली क्या करता है ये आपको मोरली बड़ा मेजर स्ट्रांग करता है और आप साइकोलॉजिकली आपको बूस्टर का काम करता है, तो जो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इसको कवर अप कर लेता है। मैं अपने नॉर्मली क्लाइंट्स को रिकमेंड यही करता हूँ जो ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो इसको पहन के जाएं, अगर उनका मन घबराता है कि प्लेन में जा रहे हैं और टर्बुलेंस हो गई, प्लेन थोड़ा सा हिल गया, तो उसमें वो डाल के रखें अच्छा रहता है उनके लिए, बच्चे घबराते हों तो वो डालें उनके लिए अच्छा रहे। तो ये इसके दो तीन बड़े मेजर फायदे जो प्रैक्टिकल यूज में लेता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका जन्म तारीख क्या है, और इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता जैसे कि मैंने पहले कहा है। और अगर आपने कोई ऑलरेडी ब्रेसलेट डाला हुआ तो उसके साथ भी आप इसको डाल सकते हैं। मैं रूटीन में इन जनरल आप मेरे वीडियोस अगर आप पिछले दो तीन साल से मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल रहा हूँ तो आप सब वीडियोस में अगर देखोगे तो मेरा मैं इसको नॉर्मली ऐसे डालता हूँ, तो रुद्राक्ष और रुद्राक्ष के बीच में मैंने ये डाला होता सेंटर में, देखने में सुंदर लगता है, बट अदरवाइज ये अच्छा काम करता है उस चीज़ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम अभी स्टार्ट करते हैं जी इसके पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है एंड ओवरव्यू ऑफ टाइगर आई ब्रेसलेट। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप प्लीज वीडियो के नीचे आप लिख दीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे प्रेस करिएगा बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे अपकमिंग वीडियोज की, और अगर हो सके तो इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। सो व्हाट इज टाइगर आई ब्रेसलेट, क्या है टाइगर आई? टाइगर आई स्टोन इज नेम्ड आफ्टर द रियल आई ऑफ अ टाइगर टू विच इट रिजेंबल्स, तो इसके जो शक्ल है वो टाइगर की आंख के साथ मैच करती है इसलिए इसको टाइगर आई कहा गया। द ब्यूटी ऑफ द स्टोन ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ एवरीवन, अगर आपने तीन चार ब्रेसलेट इकट्ठे डाले हैं ना तो ये गारंटी है कि लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखते हैं, इसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है आम किसी भी ब्रेसलेट के मुकाबले। हाउएवर दिस ब्यूटीफुल लुकिंग ब्रेसलेट कंटेन्स सच प्रॉपर्टीज बेनिफिट्स दैट विच मे लीव यू अमेज्ड, फ्रॉम इयर्स टाइगर आई हैज बीन स्पेशली यूज्ड एज एमुलेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ईविल आई, तो बहुत सालों से मतलब सदियों से आप कह सकते हैं कि ईविल आई से बचने के लिए, नज़र से बचने के लिए टाइगर आई का मेजर इस्तेमाल होता है। सो आप अगर आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है उसके लिए हमारे मैक्सिमम ब्रेसलेट्स में वो चीज़ है
मैंने जितने ब्रेसलेट्स आज तक चूज किए हैं अलग अलग नंबर्स के अनुसार, तो उनकी प्रॉपर्टीज को उठाया, और मेजर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लोगों को, जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, या वो कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें डिले हो जाता है, या उनको राइट टाइम पर राइट अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, या किसी को ईविल आई के इश्यूज हैं, या किसी को मेजर जेलसी के इश्यूज हैं, या हेल्थ सिकनेस हेल्थ का इशू है, या प्रोफेशन में कोई अप्स एंड डाउन मेजरली आते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो मैक्सिमम जितने स्टोन्स हैं, अदरवाइज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोन्स। तो मैंने जो ये 5-7 ब्रेसलेट उठाए हैं, ये वही वाले स्टोन्स हैं जो मेजरली, जिनके मेजर फैक्टर कॉमन है, और अलॉन्ग विद कि उनका कोई ना कोई 2-4 प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आपके बर्थ रेट के साथ मैच कर रही होती हैं, जो आपको और अच्छे रिजल्ट्स दे देती हैं। सो टाइगर आई, हम कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, तो जो टाइगर आई है आपको ईविल आई से बचाता है अगर आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, और ये मेजर सोर्स है ईविल आई को बर्स्ट करने का। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आप ईविल आई ये सॉरी टाइगर आई रूटीन में डालना शुरू कर दीजिए, आपके दुश्मन कम होने शुरू हो जाते हैं उस चीज़ से। Alongside, it provides with a ton of healing, psychological and cosmic advantages, which crown it as divine bracelet indeed. तो ये healing और psychological जो आपकी और cosmic advantages आपको देता है, जिसके कारण ये आपका divine bracelet भी कहा जा सकता है इसको। Benefits of tiger eye bracelet, it is an amulet which protects you from all the evils. जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो evil eye है, नजर है, लोगों की नजर लगना, उसको ये खत्म करता है। इट अट्रैक्ट मनी एंड प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटस, ये पैसे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, बिकॉज द मोमेंट आप इसको पहनते हो तो आपकी अट्रैक्शन खुद बढ़नी शुरू होती है, और आप खुद बोल्डली जब डिसीजन लेते हो तो ऑब्वियस है, जब आप कोई अच्छा कार्य बोल्डली कर रहे हो तो आपको उसके आउटकम भी उसकी बहुत जल्दी बहुत फास्ट बहुत अच्छी वाली आएगी। सो फाइनेंशियल स्टेटस में आपको ये हेल्प करेगा, एंड इट मेक्स लक वर्क फॉर यू इन वॉट एवर यू एंडेवर, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छा काम करती है जो भी आप कार्य करते हैं। इट मेक्स यू करेजियस एक्शन ओरिएंटेड एंड वार्ड्स ऑफ दी लेथार्जी, तो ये आपको करेजियस बनाता है। अगर आपके अंदर मेजर इशू है लेथार्जी का, आप कोई भी कार्य करते हैं और आप आलसी हो जाते हैं कार्य करते हुए, आपका मन नहीं करता, तो टाइगर आई आपके लिए बड़ा मेजर आपको एडवांटेज देता है, आपके आलस को खत्म करता है। इट मेक्स यू टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्किल क्लियर एंड डिसिसिव, तो ये आपको टैलेंट आपका बढ़ाता है, क्रिएटिविटी आपको बहुत अच्छी देता है, स्किल आपका इंप्रोवाइज करता है, क्लियर और डिसिसिव आपका रहता है। देखिए सारे व्यक्ति स्किलफुल है दुनिया में, सारे व्यक्ति इंटेलिजेंट है, सारे व्यक्ति से आने हैं, पंगा ये होता है कि वो कर नहीं पाते चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से, माइन्यूटली नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज। तो टाइगर डालने से आपकी इनसिक्योरिटीज दूर होती हैं, तो ऑब्वियस है आप एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का बेहतरीन वर्जन निकल करके आपके अंदर से बाहर आएगा। इट गेट्स सक्सेस इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स, तो अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको हेल्प कर रहा है। इनिशियल स्टेजेस में आपको टाइगर आई बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बिकॉज अगर आपने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है तो उसको शुरू करिए, और लेटर ऑन अगर आप इसमें स्विच करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष और चक्रा वाले दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इन जनरल हमेशा हर व्यक्ति को रुद्राक्ष और क्रिस्टल वाला जो ये मैं पहनता हूँ, तो ये वाले ब्रेसलेट मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ सभी को डाल लेने चाहिए, एक एक दो दो तीन दिन सारे व्यक्ति डाल के रखें, अपने परिवार में सारे व्यक्ति को डाल के रखो, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को हमेशा ही आगे लेके चलेंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब हम यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा आएगा आपके पास, स्पिरिचुअल जर्नी का मोटिव ये होता है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो हसल पसल में ना आए, वो कंस्ट्रक्टिव हो, जिसमें आपकी जिंदगी ओवरऑल अच्छी हो। सो इट एलिमिनेट्स द नेगेटिविटी आउट ऑफ लाइफ एंड फ्री अप स्पेस फॉर पॉजिटिविटी, तो आपकी लाइफ से भी नेगेटिविटी खत्म करता है एंड जो पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिविटी हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को भी कह सकते हैं, कि आपकी लाइफ में अच्छी चीजों को लाता है कि आप जिंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर सकें। इट गेट्स यू सक्सेस अबव ऑल सेटिस्फेक्शन थ्रू अ गेन सक्सेस, तो ओवरऑल आपको सक्सेस देगा। इट सपोर्ट्स द हीलिंग सिस्टम एंड स्पेशली ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, तो अगर आपके किसी भी व्यक्ति के बोन्स में इशू है तो वो उसको बहुत जल्दी हील करता है, एंड इट हेल्प्स यू टू अचीव द टारगेट एंड इंश्योर सक्सेस, तो ओवरऑल सक्सेस देता ही है। तो बोन के रिलेटेड एक मेजर साथ में एडवांटेज आ जाता है। तो किन किन व्यक्तियों को ये पहना चाहिए, पीपल स्पेशली चिल्ड्रन अफेक्टेड बाई ईविल आई और नेगेटिव एनर्जी शैल वियर इट, तो जो बच्चे जिनको नजर बहुत जल्दी लगती है, या आम व्यक्ति जिनको नजर लगती है नेगेटिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं, वो इसको पहन सकते हैं। पीपल लुकिंग फॉर लक एंड वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द बैड लक शैल वियर इट, बैक लक लिख दिया गलती है बट इट्स बैड लक। सो जो मुकद्दर की बात करते हैं लोग, लेकिन कहते हैं हमारे पास चीज़ें हो नहीं रही, तो उनके लिए अच्छा है। देखिए मुकद्दर सबका अच्छा होता है, मसला होता है कि आप अटैम्प्ट कर रहे हो कि नहीं उन चीज़ों को। तो जो आप राइट टाइम पे अटैम्प्ट नहीं करते तो वही आपका बैड लक बन जाता है। तो आप जब राइट टाइम पे अटैम्प्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। पीपल कन्फ्रंटिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम शैल बियर इट, तो अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से आपने पैसे ले रहे हैं, आपसे मांगे नहीं जा रहे पैसे, तो टाइगर आई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज आपकी इच्छा तो है, आपको पता आपने पैसे लेने, लेकिन यू आर नॉट एबल टू कन्वे दैम कि मेरे पैसे दे दो, तो ये आपको उसमें बहुत हेल्प करता है।
पीपल हु आर एक्सप्रेसिव शैल वेयर इट। सो अगेन वही चीज है कि आप एक्सप्रेसिव हो जाओगे तो पैसा आएगा, तो अगर आप जनरली भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते चीजों को लेकर के घबराते हो तो आप इसको पहनिए, आपको फायदा होगा। इंट्रोवर्ट एंड पैसिव पीपल मस्ट वेयर इट। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं थोड़े से पैसिव रहते हैं तो फायदा रहेगा। पीपल हैव बोन प्रॉब्लम शैल वेयर इट। तो पहले मैंने बताया कि बोन का इशू जिनको रहता हो, या पीपल हु फॉल ऑफन सिक मस्ट वेयर इट। तो अगर आप कभी अचानक बीमार हो जाते हो तब भी आपके लिए अच्छा है। तो आपकी हड्डियों में दर्द और बुखार होना, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। पीपल इन क्रिएटिव जॉब सच एज डिजाइनिंग एक्टिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट शैल सो शैल वेयर इट। तो अगर आप डिजाइनिंग में हैं, एक्टिंग में हैं, आर्ट्स में हैं या क्राफ्ट में हैं तो आप इसको पहनिए। पीपल हु आर अनेबल टू मेक क्विक राइट डिसीजंस शैल वेयर इट। तो अगर आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्विक डिसीजन ये एक मिनट का ही आपको समय है और आपको पटाख से इसका डिसीजन लेना है और आप कभी ले नहीं पाते, तो आप इसको लीजिए, आपको उसका फायदा होगा। न्यूमरोलॉजिकली किसको डालना चाहिए। पीपल बॉर्न ऑन 7/16/25 ऑफ एनी मंथ शैल वेयर इट। तो अगर आपका जन्म 7/16/25 का है किसी भी मंथ का, तो आप इसको पहनिए। पीपल हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर जी पी और वाई शैल वेयर इट। तो अगर आपका नेम अक्षर जो है, नामाक्षर जो है जी पी या वाई से स्टार्ट होता है तो आप इसको पहन लीजिए, फायदा होगा। पीपल विद मिसिंग नंबर 7 इन द डेट ऑफ बर्थ शैल वेयर इट। तो अगर आपका 7 नंबर मिसिंग है आपकी बर्थ डेट में तो इसको पहनिए, अगेन फायदा होगा। पीपल विद ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 7 मस्ट वेयर इट। तो 7/16/25 वालों का ड्राइवर नंबर 7 बनता है, बिकॉज 7 का नंबर 7 ही रहा। 16 का 1+6=7 7 बना, और 25 का 2+5=7 वो भी 7 बना। तो उनके लिए जिनका ड्राइवर 7 है उनको फायदा देगा। और अगर मान लीजिए कंडक्टर नंबर क्या है, तो अगर किसी का जन्म मान लीजिए 7/17/1980 है, उसका हम पूरा टोटल करें 7+9=16 को सिंगल नंबर कर देंगे 7 बन गया। उसके बाद 1980 है, 1+9=10, 10+8=18 का दोबारा सिंगल कर दिया, 1+8=9। तो हमने पहले 7 था, 7+9=16 अगेन, फिर दोबारा से 7 आ गया। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करेंगे तो इट कम्स टू 7। तो जिनका 7 ड्राइवर या 7 कंडक्टर हो सॉरी ऐसे व्यक्ति को भी पहनना फायदा देगा। पीपल विद इनकम्पैटिबल नेम नंबर शैल वेयर इट। तो अगर आपका नेम नंबर कंपैटिबल नहीं है तो आप भी इसको पहनिए, आपको फायदा देगा। और किस किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, आप खुद तो पहन सकते हैं, पर अगर आप रिलेशनशिप में अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बने या उसके साथ कोई इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, तो आप पार्टनर को भी डलवा दीजिए, वो पार्टनर आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो मान लीजिए आपकी जन्म तारीख 7/16/25 है, हमने यहाँ पे सबका 7/16/25 लिख दिया, और जो आपका पार्टनर है वो हम इधर राइट साइड पे आप देखेंगे तो 1/10/1928 2/3/4/5/6/7/8/9 कोई भी उनकी बर्थ डेट है, तो आपने दूसरे पार्टनर को डलवाना है। अगर आप दोनों ही 7/16/25 वाले हो तो आप दोनों ने पहनना है, तब आपको फायदा होगा। पहनने का तरीका क्या है, हाउ टू वियर दिस ब्रेसलेट। आपको टाइगर आई ब्रेसलेट कैसे पहनना है। वियर द टाइगर आई ब्रेसलेट इन आइदर हैंड। इसको आप किसी भी हाथ में पहन सकते हैं, आप इसको राइट हैंड में पहन लीजिए या चाहे उसको लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। अगर आप पहन नहीं सकते किसी मजबूरी के कारण, या बच्चा स्कूल जाता है तो वो पहन नहीं सकता, तो आप पॉकेट में अपने पर्स में रख सकते हैं, या बच्चे के आप स्कूल बैग या कॉलेज बैग में रख सकते हैं। गाड़ी में आप उसको टांग सकते हैं जहाँ पे उसका हाथ लगता रहे, उसके बेड साइड पे रख सकते हैं। रात को सोए हो अपनी बेड साइड पे रख लीजिए, जहाँ आपका सर आता है उधर की तरफ रख सकते हैं, आपको फायदा देगा। नहीं तो हमेशा पॉकेट में रखिए अगर आप कभी नहीं डालना चाहते तो, फॉर योर पर्सनल रीजन। ऑन विच डे टू वियर टाइगर आई ब्रेसलेट, किस दिन इसको पहनना चाहिए। टाइगर आई ब्रेसलेट कैन बी वॉर्न इरिस्पेक्टिव ऑफ डे एंड टाइम, हाउएवर प्रेफर टू वियर दिस मैजिकल ब्रेसलेट इन द डे लाइट, बिकॉज जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ज्योतिष पूरा सूर्य सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, तो आइडली रहता है कि सूर्य निकलने से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में दिन में किसी भी टाइम इसको आप सीधा लीजिए और डाल लीजिए हाथ में, दैट्स इट। और ज्यादा उसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी टाइगर आई ब्रेसलेट्स कैन वन वियर, कितने पहन सकते हैं। एक ब्रेसलेट मोर देन सफिशियंट होता है, ऑलरेडी इसमें इतने सारे बीड्स हैं। तो अगर स्टिल अगर इफ यू वॉन्ट टू ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सुंदर लगना चाहते हैं, डिफरेंट लगना चाहते हैं, तो 3-4 भी पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। और स्टाइल स्टेटमेंट है आज की तारीख में, तो कोई ब्रेसलेट डालना तो किसी वो मरे चमड़े से तो अच्छा है ना कि आप एक लाइव ब्रेसलेट डाल दीजिए, बिकॉज हम घड़ियां डालते हैं उसमें चमड़ा ही होता है, वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो डेड चमड़ा ज्यादा घातक होता है इनफैक्ट। तो उससे बेटर है कि आप 2-3 ब्रेसलेट डाल लीजिए। प्रिवेंशन व्हाइल वियरिंग टाइगर आई ब्रेसलेट, प्रिवेंशन क्या रखनी चाहिए। देयर इज नो सच प्रिवेंशन टू बी फॉलोड व्हाइल वियरिंग द ब्रेसलेट, कोई मेजर आपको प्रिवेंशन रखने की जरूरत नहीं है। लेडीज के ऑड डेज में भी उसको रेगुलर पहन सकती हैं, उसमें कोई पंगे वाली बात नहीं। यू डू नॉट नीड टू मेक एनी चेंजेस इन योर रूटीन आफ्टर वियरिंग द ब्रेसलेट, तो आपको अपनी दिनचर्या में कोई रूटीन में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको पहनते हैं। जो आप डेली काम कर रहे हैं वो अपने रूटीन में काम करते रहिए, झूठ थोड़ा सा कम बोलें और दान थोड़ा सा ज्यादा करें। इट विल कीप वर्किंग एंड बेनिफिटिंग यू टिल यू आर कनेक्टेड टू फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है अगर ये आपके शरीर के ऊपर आपने इसे धारण किया हुआ या शरीर के अंदर आपने इसको धारण किया हुआ है। दोनों तरीकों से द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू इट आपके लिए हमेशा कार्य करेगा।
चार्ज एंड अनचार्ज ब्रेसलेट्स, ये डिफरेंस क्या होता है? हर एनर्जी अनमैनिफेस्टेड है, उस एनर्जी को जब चैनलाइज किया जाता है तो उसको हम चार्जिंग कहते हैं। सो द चार्ज ब्रेसलेट रीचेस यू आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टन पूजा चैंटिंग ऑफ रिस्पेक्टिव मंत्रास एंड गिविंग इंटेंट टू द ब्रेसलेट विच टेक्स कंसिडरेबल टाइम एंड एनर्जी। सो जो चार्ज ब्रेसलेट होता है उसमें होता है कि एक पर्टिकुलर मंत्र को चैंट किया जाता है उस ब्रेसलेट को एक्टिवेट करने के लिए, उसके अंदर एक इंटेंट डाला जाता है कि जो ये मैंने आपको पहले बेनिफिट्स बताए थे तो हम उसमें उन बेनिफिट्स को ही इंक्लूड करते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रेसलेट को डालने से इसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो क्लीन अप हो जाए, अशुद्धि होने के बाद उसकी सिद्धि हो जाए कि वो उन चीज़ों को दे पाए जिस जो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेड हैं जो हम चाहते हैं। सो वो इंटेंट डालने वाला एक प्रोसेस होता है। सो द चार्ज ब्रेसलेट्स बिगिंस टू वर्क फास्टर देन एन अनचार्ज ब्रेसलेट। तो अगर ये चैंटिंग हुई हो और इट्स ऑलरेडी चार्ज होगा तो ये डेफिनेटली ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगा इंस्टेड ऑफ अनचार्ज ब्रेसलेट होते हैं। और जो अनचार्ज ब्रेसलेट होता है इट्स ओनली पीस ऑफ टाइगर आई, वो एक सिंपल पत्थर है जो कटा, सर्कल में आया, पिरोया गया और पैक होकर हमारे पास आ गया और हमने आगे आपको दे दिया, तो वो अनचार्ज है। चार्ज वाले में एक प्रोसेस और ऐड हो गया, वो गया, पूजा हुई, पूजा होने के बाद वो एक प्लॉट में वापस आया, फिर वो आपके पास आता। तो दिस इज ओनली मेजर डिफरेंस। सो अनचार्ज ब्रेसलेट्स देयर इज नो पूजा हैज बीन डन एंड मंत्र और इंटेंट हैज बीन परफॉर्म, तो कुछ नहीं हुआ था उस पर, इट जस्ट टेक सम टाइम टू सिंक विद योर एनर्जीज। तो आप अगर खुद इसको चार्ज करना चाहें, अगर आपको इसका मंत्र पता है, प्रोसेस पता है, मुहूर्त पता है, तो दिन तिथि वार नक्षत्र योग के अनुसार और इसके मंत्र के अनुसार इसको आप चैंट करके हवन करके उसको डालिए, आपको फायदा होगा। pandit.com offers you both charged and uncharged tiger eye bracelet which you can order as per your need and budget। तो हमारी वेबसाइट जो pandit.com है वहाँ पर आपको दोनों मिल जाते हैं, चार्ज और अनचार्ज। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है प्राइस का, सिर्फ 90 या 100 रुपये का डिफरेंस होगा दोनों में। तो आपको दोनों से कोई भी आप लेना चाहें तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। सो ये है जी वो ब्रेसलेट देखने में, और हमारी जैसा कि मैंने कहा कि pandit.com oblique shop पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और पेमेंट आप वहीं पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, बैंक से, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं और पेटीएम कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शंस के लिए आपको वहां पर पे यू मनी का एक ऑप्शन है, बटन होगा, उसको दबाएंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाले पेज के ऊपर, वहां पे जाके आप पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं तो आप पेपॉल को चूज करिएगा, तो पेपॉल में जाकर के आप इंटरनेशनली क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। और ऑर्डर करने का थोड़ी सी वेट करिएगा बिकॉज 5 से 10 दिन लगते हैं इसको आप तक पहुंचने में वाय कुरियर। एंड आफ्टर पेमेंट, सक्सेसफुल पेमेंट, हम नॉर्मली अगर हमारे पास लॉट में, अगर आपने चार्जिंग वाला कहा है और अगर चार्ज वाला पीसेज पड़े हैं तो फिर तो सेम डे निकल जाता है, बट कई बार होता है कि चार्ज वाले पीसेज रूटीन में बहुत जल्दी निकलते हैं तो हमें फिर वो वेट करना पड़ता है नेक्स्ट लॉट आने के लिए, तो बिकॉज पंडित जी को भी टाइम लगता है उस चीज़ को खोलने के लिए। तो मैक्सिमम हम 10 दिन लेके चलते हैं जब भी आप ऑर्डर करें। ठीक है जी, हाँ, तो ये था जी टाइगर आई ब्रेसलेट, इसके बारे में डिटेल्स जितनी मैं दे सका। और मेरे कोर्सेज के लिए आप मेरी वेबसाइट occultmaster.com पे जाके आप देख सकते हैं अपकमिंग कोर्सेज के लिए। और अगर आपको कोई मेरे से कंसल्ट करना है या आपकी रेमडीज आप लेना चाहते हैं या हॉरोस्कोप या नेम चेंज के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है मेरे से, अपना नेम चेंज करवाना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट pandit.com पे जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और मेरी फीस प्लीज दीजिएगा, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में जाकर के खाने पीने का सामान और कपड़े इत्यादि जरूर दीजिएगा, और गरीबों को खाने का कुछ सामान दीजिएगा और पशु पक्षियों को कुछ डालिएगा। सो बस ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी जी आप सबसे। और आज ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है, और कल हम कवर करेंगे कार्नेलियन को, बड़ा एग्रेसिव स्टोन होता है, उसके बाद हमारी सीरीज ख़त्म हो जाएगी। एंड अभी मैं कनाडा ही हूँ और बस 2-3 दिन में इंडिया पहुँच जाऊँगा, तो हो सकता है सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हम नई वाली सीरीज़ कुछ शुरू करेंगे। ठीक है जी, आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ क्या, अभी कल स्नो थी यहाँ पे। ये देखने में जितनी अच्छी बर्फ लगती है ना ये उतनी खतरनाक होती है, बड़े बंदे करते हैं इसके। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं दोबारा।